अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ बेसिकली इंडियन ओशन एंड द पावर ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशंस। अगर हम इंडियन ओशंस को डिस्कस करें और उन इंडियन ओशंस के रिगार्डिंग जितनी भी इंडियन ओशंस के अंदर पावर्स हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं, हम उनको डिस्कस करें, तो हम सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इंडियन ओशन इम्पोर्टेंट है क्यों। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक इकोनॉमिकली, तीन चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है स्टे वर्ल्ड के अंदर, कि जो भी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाती है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटजिकली। और कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजिकली ही बनाता है। अगर किसी कंट्री के साथ अगर कोई सी लगता है, मतलब आप किसी कंट्री की वाटर बॉडी जो है उनके साथ अटैच होती है, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होती है। अगर कोई लैंड लॉक कंट्री है, उनके साथ कोई वाटर बॉडी ट्रेड के लिए अटैच नहीं होती, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होती है। तो जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा डिवाइज की जाती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटजिकल कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेट पावर कंपटीशन जो इंडियन ओशन के अंदर है वो है किस बेस के ऊपर। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके लिए हम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अल्फर्ड महान ने ये बात 18th सेंचुरी में कर दी थी, हु एवर रूल द वेव्स रूल द वर्ल्ड। जो वाटर बॉडी, जो वाटर के ऊपर, ओशंस के ऊपर, पानी के ऊपर हुकूमत करेगा दुनिया पे, वही हुकूमत करेगा। और चाइना ने उनके इस रूल को बड़ा सीरियस लिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं, इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सुपर पावर्स के लिए बड़ा ग्रेविटी कंसर्न रहा है। उसके बाद जो इंडियन ओशन है वो जियो स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। इसको हम देखते हैं कि कैसे है। अगर हम हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करें तो हिस्ट्री में डिफरेंट रीजन्स जो हैं उन्होंने इंडियन ओशंस के ऊपर बड़े पावर अपना इन्फ्लुएंस रखने की कोशिश की है, जिसमें चाइना है, पुर्तगीज है, ब्रिटेन है, अमेरिकन है और इंडियन है। और पोस्ट कोल्ड वार इरा के अंदर यूएसएसआर भी जो है वो इसका पार्ट रहा है। और आफ्टर 1991, आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड फॉर्मेशन ऑफ रशिया, उसके बाद यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, ये पाँच कंट्रीज जो हैं इंडियन ओशन के अंदर, यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, इनका इंडियन ओशन के अंदर बड़ा मेन कंसर्न रहा है। अब इसको हम देखते हैं कि इनका कंसर्न तीनों बेसिस पे था, जो मैंने पहले कहा कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटजिकली। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको मैप नज़र आ रहा होगा, इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन के ऊपर देखें इंडिया है, चाइना है, इसके आपको गवादर नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड में अरेबियन सी के अंदर। तो ये एक चोक पॉइंट है इंडियन ओशन। अभी ये कैसे है, अभी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन जो है वो 70.56 मिलियन किलोमीटर है और ये इंडियन ओशन के अंदर 36 स्टेट्स लगती हैं और 11 हिंटरलैंड स्टेट्स हैं। हिंटरलैंड स्टेट्स वो हैं जो वाटर बॉडी के अंदर होती हैं, जो ऑफशोर लाइन के बिहाइंड जो एरियाज पाए जाते हैं उसे 11 हिंटरलैंड स्टेट्स कहा जाता है। अच्छा, इट इंक्लूड वैरायटी ऑफ रेसिस, कल्चर एंड रिलीजन। आपको इंडियन ओशन के अंदर डिफरेंट रिलीजन नज़र आएंगे, आपको यहाँ पे इस्लाम भी नज़र आएगा, आपको यहाँ पे हिंदुइज्म भी नज़र आएगा, आप यहाँ पे जैनिज्म भी नज़र आएगा, बुद्धिज्म भी नज़र आएगा, क्रिश्चियनिटी भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो ये डिफरेंट रिलीजन का सब पॉइंट है। अब ये जो है 5 to 6 डिफरेंट चोक पॉइंट्स जो हैं वर्ल्ड के, जितने भी 5 to 6 चोक पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं, कनेक्टिंग बॉडीज हैं, स्ट्रेट्स हैं, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल इट इज़ लोकेटिंग इन इजिप्ट और इट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग टू मेन सी, वन इज़ मेडिटेरियन सी, सेकंड इज रेड सी। तो ये स्विस कैनाल इनको कनेक्ट करती है। सेकंड आप देखें स्ट्रेट ऑफ होर्मज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मज इज इन इंडियन ओशन और द 40% ऑफ ऑयल ट्रेड located from the Hormuz, state of Hormuz।
तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इट इज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदीप स्ट्रेट, तो बाबुल मंदीप स्ट्रेट जो है दैट इज बिटवीन यमन एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका इरिटेरिया। यमन में यमन ऑन अरेबियन पेनिनसुला डी जिबूती एक साइड हो जाती है और दूसरी साइड है इरिटेरिया ऑन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये उनके बिटवीन इनको कनेक्ट करती है। उसके बाद आ जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप बेसिकली अ डिवाइडिंग पॉइंट बिटवीन अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। इट इज आल्सो इसका अच्छा एक नाम भी है जो हमारे जीके के अंदर अवन पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है। केप ऑफ गुड होप इज आल्सो कॉल्ड, तो केप ऑफ गुड होल्ड इज आल्सो कॉल्ड लेजेंडरी होम ऑफ फ्लाइंग डचमैन। ये एक जीके का क्वेश्चन है, लेजेंडरी होम ऑफ फ्लाइंग डचमैन। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाका है, स्ट्रेट ऑफ मलाका इज आल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज बिटवीन माली पेनेंसुला एंड सुमात्रा आइलैंड एंड इट कनेक्ट टू सीज, वन इज अनंदमान सी, सेकेंड इज साउथ चाइना सी। इन इट कनेक्ट बोथ अंदमान एंड साउथ चाइना सी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट दुनिया के वर्ल्ड के चोक पॉइंट्स हैं जिनसे 70% वर्ल्ड की ट्रेड होती है। तो ये चोक पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो इंडियन ओशंस के अंदर हैं, तो यहाँ से इसके इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ का पता चलता है, और दूसरा ये स्ट्रेटजिकली भी इम्पोर्टेंट है दूसरे कंट्रीज के लिए। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है चाइना का, जितने भी ऑयल ट्रेड होती है अब इससे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो इंडिया इंडियन टेरिटरी के साथ कहीं ना कहीं अटैच होता है, और इंडिया का जो जियो स्ट्रेटजिकली अलायंस है वो यूएसए के साथ है। तो इस बेस के ऊपर इसके चाइना जो है वो फ्यूचरली में भी उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे ब्लॉकेड फेस करनी पड़े, तो उसके लिए उन्होंने BRI का कंसेप्ट, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसका CPEC एक प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट सिग्निफिकेंट, इट इज़ द होम ऑफ 4 मेजर वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। उसके बाद क्या है कि जो इंडियन ओशन रीजन हैज बीन कंसीडर द एरिना ऑफ मेजर पावर राइवलरी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। मेजर पावर राइवलरी में आपको यूएसए चाइना राइवलरी नजर आएगा, यूएसए रशिया कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आएंगे। अब हम देखते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है 11% ऑफ वर्ल्ड GDP जो है वो यहाँ का हिस्सा है। 35% ग्लोबल पॉपुलेशन है। 13% वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से होती है। 23 ऑफ वर्ल्ड टॉप 100 पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद 28% जो है वो फिश कैप्चर जो है वो इंडियन ओशन से की जाती है। उसके बाद टोटल वाटर 20% वर्ल्ड का इंडियन ओशन के अंदर पाया जाता है। शेयर ऑफ वर्ल्ड लैंड 18% है। ग्लोबल प्रूवन गैस रिजर्व जो है वो 28% है इंडियन ओशन में, और ग्लोबल आयरन प्रोडक्शन जो है वो 36% है। अब हम आते हैं डिस्कस करते हैं मेजर पावर, मेजर कंपीटिंग पावर एंड देयर इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन। तो सबसे पहले हम यूएसए की बात करते हैं। तो यूएसए एक स्टेटस को पावर है। यूएसए की कोई टेरिटरी इंडियन ओशन के साथ अटैच नहीं है, बट यूएसए जो है पास्ट के अंदर इंडियन ओशन में जब यूनिपोलैरिटी थी, यूनिपोलैरिटी के अंदर इवन बायपोलैरिटी के अंदर भी जब यूएसएसआर एंड यूएसए दो मेजर पावर्स थी बायपोलैरिटी में, उस टाइम के अंदर भी जो यूएसए है वो इंडियन ओशन पे रूल करता रहा है। तो करंटली यूएसए जो है एक स्टेटस को पावर है। तो यूएसए बीइंग अ सुपर पावर फील एनी अल्टरेशन ऑन जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ दिस रीजन बाय राइजिंग पावर ऑफ चाइना। तो क्या है कि वो रूल करता रहा है, अब चाइना जो है वो इसके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक रूल भी कर रहा है, जो यूएसए के लिए बेयरेबल नहीं है। उसके बाद यूएस हैज डिसाइडेड टू कॉन्टेन राइजिंग पावर, चाइना की जो पावर है उन्होंने क्या किया है, कॉन्टेन पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन थ्रू डिफरेंट अलायंस एंड लाइक माइंडेड स्टेट्स। डिफरेंट अलायंस यूएसए का वन ऑफ द मेजर अलायंस विद इंडिया। उसके बाद जो है चाइनीज BRI एंड CPEC जो है
वो परसीव्ड होता है आपके इंडियन ओशंस के थ्रू डिफरेंट पोर्ट्स जो है इसके अंदर जो है चाइना जो है वो डिफरेंट पोर्ट्स इंडियन ओशन में बिल्ड कर रहा है, जिसमें गवादर पोर्ट एक मेजर है, वो भी यूएसए के स्टेटस को के अगेंस्ट है। उसके बाद यूएसए इज यूटिलाइजिंग इट्स फुल एनर्जी टू कंट्रोल इंडियन ओशन रीजन बाय इट्स सेल्फ एंड इट्स अलाइज, और इट्स अलाइज के अंदर इनका क्वाड आता है, जिसमें अंदर फोर कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, यूके, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो स्टेटस को रखने के लिए यूएसए जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के साथ अडॉप्ट करता है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है पनिशमेंट एंड रिवार्ड पॉलिसी। तो उसके अलावा जो है यूएस हैज मेजर स्टेक इन इंडियन ओशन रीजन अगेंस्ट राइजिंग पावर ऑफ चाइना एंड इट इंटेंट टू डिटेन चाइना एट एनी कॉस्ट एंड मेंटेन स्टेटस को इन द रीजन। अब यहाँ पे यूएसए की बात जो मैं कर रहा हूँ, यूएसए की जो मेन कंसर्न है दैट इज स्टेटस को। उसके बाद यूएसए का सेकंड कंसर्न है कि यूएसए की ट्रेड जितनी भी होती है वो इंडियन ओशन के अंदर वो ट्रेड मतलब आपका टैक्स फ्री होती है, फ्री ट्रेड से वो इंजॉय करता है अपनी ट्रेड को। बट अगर इसके अगेंस्ट कोई और कंट्री जो है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना जैसे राइजिंग पावर है इंडियन ओशन के अंदर, अगर चाइना उसको कंटेन कर लेता है इस पावर को, तो चाइना की जितनी यूएसए की जितनी भी ट्रेड है एशिया के अंदर, जिस तरह हमने पहले कहा कि ये फोर कॉन्टिनेंट इसके साथ अटैच होते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो इनके जो चार कॉन्टिनेंट अटैच होते हैं, इन चार कॉन्टिनेंट के अंदर यूएसए की जो ट्रेड है वो मे भी उसको टैक्स उसको देने पड़ जाए, जिसकी बेस के ऊपर उनकी जो ट्रेड है वो अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद हम सेकंड पावर को देखते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना रिवीजनिस्ट पावर है जो अपनी पावर को रिवाइज कर रही है। तो इंडियन ओशन रीजन हैज डायरेक्ट वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर चाइना। अब चाइना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट एस्टिमेटेड मोर देन 90% ऑफ ऑयल इम्पोर्टेंट ट्रेवल इन दिस रीजन फ्रॉम मिडल ईस्ट, के जो 90% जो भी मिडल ईस्ट से, फॉर एग्जांपल ईरान हो गया, के ऐसे से अब चाइना ने न्यू इकोनॉमिक एग्रीमेंट किए हैं, तो मिडल ईस्ट से उनके जितना भी ऑयल आता है वो 90% ऑयल जो है वो इंडियन ओशंस के थ्रू आता है। और जो चाइना की इकोनमी है दैट इज इंडस्ट्रियल इकोनमी, और इंडस्ट्रियल इकोनमी के लिए जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे चाइना इंपोर्ट करता है, तो इसके लिए भी इंडियन ओशन जो है वो चाइना के लिए इंपोर्टेंट है। उसके बाद इंडियन ओशन रीजन हैज आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी चाइना कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और हमने अभी बात की इसके साउथ चाइना सी और अटलांटिक ओशंस के अंदर जो स्ट्रेट्स हैं वो इंडियन ओशंस के अंदर पाई जाती हैं, तो ये भी एक मेजर कंसर्न है चाइना का साउथ चाइना सी को कंटेन। अगर वो साउथ चाइना सी को कंटेन करना चाहता है तो उसे इंडियन ओशंस के अंदर अपनी पावर को अराइज करना पड़ेगा। उसके बाद यूएस विद हेल्प ऑफ इट्स अलाइज स्पेशली क्वाड इज अ बिग थ्रेट ऑफ चाइना इन पैसिफिक रीजन, और जिसका अल्टरनेटिव रूट जो है पैसिफिक ओशंस का अल्टरनेटिव रूट इंडियन ओशन है। उसके लिए जो चाइना है वो BRI एंड CPEC जो है वो बना रहा है फॉर इट्स नेचुरल एंड सेफ रूट फॉर चाइना इम्पोर्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद जो है एज अ मेजर पार्ट ऑफ BRI क्रॉस थ्रू इंडियन ओशन रीजन चाइना मस्ट कंटेन कंट्रोल इन द रीजन। चाइना की मजबूरी है फॉर इट इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसकी वजह से उसके जियो स्ट्रेटजिक बेनिफिट्स भी इसके साथ अटैच होते हैं। देखें ये तीनों की चीजें इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों के तीनों जो है इंटरकनेक्टेड हैं। जब इकोनॉमिक बेनिफिट अटैच होते हैं तो उसके साथ जियो पॉलिटिक्स ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं, जब जियो पॉलिटिक्स अटैच होते हैं तो फिर पॉलिटिकली भी अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो है चाइना कंसीडर इंडियन ओशन रीजन एज द टॉप प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ BRI एंड कंटेन यूएस स्ट्रेटजीज अगेंस्ट। अब यहाँ पे हमने बात की कि जो यूएसए है दैट इज अ स्टेटस को,
वो अपना स्टेटस जो है इंडियन ओशन के अंदर मेंटेन रखना चाहता है। और चाइना की जो नीड है, चाइना की नीड है कि चाइना के जो ऑयल की ट्रांसपोर्ट है वो इंडियन ओशन के थ्रू आती है, और पैसिफिक ओशन तक अगर उन्होंने रसाई एक्सेस लेनी है तो वो इंडियन ओशन के थ्रू है। उसके बाद चाइना का जो BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है वो सारा इंडियन ओशन से गुजरता है। उसके बाद USA का जो है वो पावर को कॉन्टेन करने के लिए भी चाइना को इंडियन ओशन के अंदर अपनी पावर को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब थर्ड हम मेजर पावर के ऊपर आते हैं, रशिया, रिटर्न टू साउथ एशिया। रशिया जो है USSR 1991 के डिसइंटीग्रेशन के बाद साउथ चाइना से, साउथ एशिया से निकल गया था, बट अब रशिया जो है दोबारा अपनी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है। तो रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया रेफर टू कल्टिवेटिंग वार रिलेशन। अब उन्हें वार रिलेशन किसके साथ किए, पाकिस्तान एंड इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ मोस्ट रशिया के जो रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज कोविड बिफोर कोविड रशिया यूक्रेन वार जो रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस थे दैट वाज वेपनरी रिलेशंस, स्ट्रेटजिक रिलेशन के, जो इंडिया था वो रशिया से वेपन ले रहा था, उसके बाद इंडिया से और रशिया से ले रहा था, रशिया से ज़्यादा ले रहा था आफ्टर रशिया यूक्रेन वार, जब रशिया के ऊपर रशिया का जो ऑयल है वो ब्लैक लिस्ट हुआ वर्ल्ड के अंदर, तो इंडिया ने, इंडिया वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल उस टाइम के अंदर रशिया यूक्रेन वार में, और इंडिया ने रशिया से जो रशियन ऑयल है वो परचेज करके वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सेल किया। तो यहाँ से जो है वो रशिया जो है वो साउथ चाइना के अंदर, साउथ एशिया के अंदर एंटर हुआ। रशिया इज आल्सो कंसीडर मेजर कंपेटिटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन ऑयल टू हिस्टोरिकल लेगेसी एंड डोमिनेशन। USSR टाइम के अंदर जो है वो इनका टाइम पीरियड रहा है। अब अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लैडिमिर पुतिन वो वापस जो है रशिया इसमें आना चाह रहा है, और रशिया जो है अप्रोच कर रहा है दो कंट्रीज के साथ इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटजिकली, वन इज इंडिया, सेकंड इज पाकिस्तान। आप देखें कि 2021 के अंदर इमरान खान साहब ने रशिया का विजिट भी किया, ठीक है। तो सेलिंग ऑफ वेपन एंड कमर्शियल कमोडिटीज। उसके बाद अंडर कोल्ड वार इरा जो है रशिया भी जो है वो भी उनका स्टेटस को भी यहाँ पे नजर आएगा आपको, क्योंकि कोल्ड वार तक जो है इसके अंदर बायपोलैरिटी थी, USSR एंड US जो है वो मेजर ग्लोबल पावर्स थी बायपोलैरिटी की, तो ये जो है वो अपनी पावर को इंडियन ओशन के अंदर इंजॉय करते थे फॉर ट्रेड। तो अब 1991 की डिसइंटीग्रेशन के बाद फिर यूनिपोलैरिटी आ गई, और USA जो है वो अपनी पावर को, सिंगल पावर को यूज़ करना स्टार्ट हो गया। बट अब जो रशिया है वो दोबारा इंडियन ओशन के अंदर वापस आ रहा है, और वो अपना स्टेटस को, जो लेगेसी थी उसको दोबारा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ इंडियन ओशन, एन एम्बिशियन लिटोरल स्टेट। लिटोरल स्टेट वो होती है जिनके इंडियन जो भी स्टेट की जिस वाटर बॉडी के साथ टेरिटरी अटैच होती है उसको लिटोरल स्टेट कहते हैं। इंडिया एज एम्बिशियस लिटोरल स्टेट, एम्बिशियस लिटोरल स्टेट का मतलब है कि इंडिया करंटली इज द लार्जेस्ट इकॉनमी इन इंडियन ओशन। तो देखते हैं इट इज द मेजर न्यूक्लियर स्टेक होल्डर लिटोरल स्टेट इन इंडियन ओशन, एंड इट सीज इट्स सेल्फ एज अ नेचुरल प्रोमिनेंट रीजनल पावर इन इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया इज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू इकॉनमी, अकॉर्डिंग टू टेरिटरी, अकॉर्डिंग टू देयर कोस्ट लाइन लार्जेस्ट कंट्री जो है वो इंडियन ओशंस के अंदर है। तो इसीलिए इंडिया इज कंसीडरिंग द प्रोमिनेंट रीजनल पावर इन इंडियन ओशन। उसके बाद इंडिया हैज ट्रीटेड द इंडियन ओशन एज इट बैक यार्ड, इन स्टीड सम मैरिटाइम स्कॉलर बीट इज फ्रंट यार्ड। इंडिया कंसीडर करता है कि मैं बैक यार्ड पे हूँ, हालांकि मेजर जो स्कॉलर्स हैं वो इनको फ्रंट के ऊपर देखते हैं। फ्रंट के ऊपर इसलिए देखते हैं कि इंडियन ओशन के अंदर जो है इंडिया इज ओनली अ कंट्री जिसकी अटोमिक सब मैरीन, न्यूक्लियर सब मैरीन जो है वो इंडियन ओशन के अंदर है, जिसकी वजह से पावर का जो पावर जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है, पावर डी बैलेंस हो जाती, इम्बैलेंस हो जाती है पावर, और इस इम्बैलेंस की वजह से जो है वो
दूसरे जो कंट्रीज हैं इंडियन ओशंस के अंदर उनको जियो स्ट्रेटजिकली थ्रेट होता है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान। तो इंडिया इज कॉपरेटिंग विद यूएस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान इन मैरिटाइम अफेयर्स, इसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली इट इज मॉडर्नाइजिंग इट्स नेवी बाय एडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर एंड लॉन्चिंग ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन एरिहेंट। एरियन न्यूक्लियर सबमरीन है इंडियन ओशंस के अंदर इंडिया की, विच है सीरियसली थ्रेटन द न्यूक्लियर कॉन्फिग्रेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इन अ नटशेल, इंडियन मैरिटाइम एम्बिशन इन इंडियन ओशन रीजन कैन सीरियसली शेक द पीसफुल सिक्योरिटी एनवायरमेंट ऑफ इंडियन ओशन रीजन एंड कैन लीड टू बिग डिसास्टर एज। यहाँ पे इस पर जो है आपको, यहाँ पे आपको नजर आएगा ग्लोबल इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का इंटरेस्ट, उसके बाद साउथ एशियन कंट्रीज का इंटरेस्ट आपको नजर आएगा, टू मेजर पावर यूएसए का इंटरेस्ट एंड चाइना का इंटरेस्ट आपको नजर आएगा। यूएसए का मेजर इंटरेस्ट है इंश्योर वार एफर्ट इन इराक एंड अफगानिस्तान, कॉन्टेन ईरान चाइना नेवल एक्टिविटीज, रीस्ट्रेन टेररिज्म सपोर्ट और सेफ्टी ऑफ सी रूट। चाइना के इसके ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस, सेफ्टी ऑफ सी रूट, सपोर्ट मिलिट्री पार्टनरशिप विद पाकिस्तान ईरान एंड सऊदी अरेबिया। यूएसए की मिलिट्री पार्टनरशिप जो है इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के साथ है, चाइना की मिलिट्री पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान ईरान एंड सऊदी अरेबिया के अंदर है, एंड मिलिट्री सुपेरियरिटी ऑफ चाइना। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान के, ये जो जितनी भी पावर्स अकमुलेशन है इंडियन ओशंस के अंदर, तो इनमें पाकिस्तान के इम्प्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान क्या है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर है, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर है एंड पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजिक लेवल को डिस्कस करते हैं। तो टोटली 1046 किलोमीटर की टेरिटरी है, जिसमें 990 किलोमीटर की कोस्ट लाइन जो है वो अरेबियन सी के अंदर है, एंड वन ऑफ द मेजर लिटोरल स्टेट ऑफ आईओआर। इनके दो लिटोरल सिटीज हैं, वन इज कराची, सेकंड इज बलूचिस्तान के डिफरेंट सिटीज हैं इसके अंदर। मेजर गवादर पोर्ट है इन वेस्टर्न कोस्ट एडजेसेंट टू गल्फ, मेक ऑफ स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्टेस्ट रूट। अब शॉर्टेस्ट रूट किस किस को देते हैं, लैंड लॉक सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान तुर्कमानिस्तान अजरबैजान जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके लिए, ईस्ट एशिया के लिए, यूरोप के लिए, यूरोप एंड पैसिफिक नेशंस, अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना वे ग्वादर पोर्ट। क्योंकि जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं यहाँ से जो चाइना का है वो डिस्टेंस ज़्यादा है चाइना के जो मेन पोर्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू ग्वादर पोर्ट, इसी तरह इसीलिए ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना के BRI के जो CPEC प्रोजेक्ट है उसका एक मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद ये सारे हमारे जो स्ट्रेटजिक हैं, उसके बाद इंडियन मैरिटाइम एम्बिशन टू सबड्यू द रोल ऑफ पाकिस्तान थ्रू सैबोटेजिंग सी पैक कैन बी सीरियस स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी कंसर्न एज वेल एज चैलेंज फॉर पाकिस्तान। के इंडिया जो है वो जो BRI के अंडर गवादर पोर्ट के जो कंस्ट्रक्शन है उसको सैबोटेक करने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए उसको कंटिन्यू रखने का मेजर चैलेंज है। उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंज है, पाकिस्तान की 95% ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन के थ्रू होती है। उसके बाद पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट की सप्लाई जो है वो अरेबियन सी के थ्रू होती है। गवादर पोर्ट जो है वो फैसिलिटी हेड है ऑयल ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जिनको मैंने अजरबैजान तुर्कमानिस्तान ताजिकिस्तान ये जो सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्रीज हैं, तो उनको भी एक पोर्ट चाहिए, ये सारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं तो उनको गवादर पोर्ट बेस्ट पड़ता है, और पाकिस्तान उनके साथ जो है वो ऑयल एंड गैस की ट्रेड कर सकता है। मिडल ईस्ट के साथ पाकिस्तान का जो है अरेबियन सी के थ्रू जो है वो गवादर पोर्ट अटैच होता है। अफ्रीका यूरोप के साथ एंड स्विस कैनाल के साथ अटैच होता है, हमने अभी कहा स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी दो सी को अटैच करता है, तो स्विस कैनाल का भी एक हिस्सा जो है पाकिस्तान के साथ अटैच होता है, जिससे एक लार्जेस्ट
इकोनॉमिक डील्स जो हैं वो दुनिया के साथ होती हैं। उसके बाद आईओआर इंडियन ओशन रीजन कैन ईदर ट्रिगली सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड एज हैम्पर पीसफुल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दैट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपको नज़र आता है यूएस चाइना राइवेलरी नज़र आती है, आपको पाकिस्तान इंडिया राइवेलरी नज़र आती है। तो इसको ये चीज़ें आपको पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इंडियन ओशन के नज़र आती हैं। तो मेजर पावर कंपटीशन इन इंडियन ओशन रीजन हैज सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। कैसे है, वन ऑफ द चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान टू चूज वन साइड ऑफ यूएस चाइना राइवलरी गेट वर्स इन द सिचुएशन के यूएस चाइना राइवलरी इंडियन ओशन के अंदर, अब उसके अंदर पाकिस्तान को जो है वो है कि वो चाइना को चूज़ करे या यूएसए को चूज़ करे। अब पाकिस्तान जो है वो सैंडविच बना हुआ है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान दोनों को नहीं छोड़ सकता। चाइना को पाकिस्तान जो बीआरआई और सीपैक का जो प्रोजेक्ट्स हैं, और भी पाकिस्तान के उनके साथ मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं और जियो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट्स हैं, इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं, उन पे नहीं छोड़ सकता, और यूएसए को नहीं छोड़ सकता ड्यू टू स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट लाइक आईएमएफ एफएटीएफ एंड अदर फाइनेंशियल रिजीम। तो ये पॉलिटिकल लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मेजर रिकमेंडेशंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए सबसे मेजर रिकमेंडेशन ये है कि पाकिस्तान को जो इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी बैलेंस करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी बैलेंस करने के लिए हाईली इक्विप्ड नेवल फोर्सेस चाहिए। और हमने अभी इंडिया के अंदर बात की, इंडिया की जो सब इंडियन ओशंस के अंदर न्यूक्लियर सब मरीन भी है, तो पाकिस्तान को भी वो पावर बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ सीपैक एंड गवादर पोर्ट शुड बी इनहेंस विदाउट एनी फर्दर डिले। उसके बाद थर्ड रिकमेंडेशन जो पाकिस्तान के लिए इंडियन ओशन के लिए है, दैट इज पाकिस्तान शुड मोर फोकस ऑन नेवल डिप्लोमेसी एज वेल एज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेवल फोर्स विद चाइना एंड टू इनहेंस इट्स टेक्नोलॉजी। तो दैट इज द इंडियन ओशन मेजर पावर कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड। तो मेजर पावर कंपटीशन में हमने यूएसए को भी डिस्कस कर लिया, चाइना को भी डिस्कस किया, रशिया को भी डिस्कस किया, इंडिया को भी डिस्कस किया, और पाकिस्तान के उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमने उनको भी डिस्कस किया। तो इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।